आप जांच करवाने की बात पर क्यों नहीं आ रहे? मालूम था हमारी सरकार। टमटा जी टीवी की मजबूरी है, छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब देना जरूरी है। मूल विषय को टाल रहे हैं। नामधारी का कॉल डिटेल, नाम उस हत्या के बाद, पोंटी और गुरुदीप की हत्या के बाद, मैं आपको बता दूं, नामधारी का कॉल डिटेल, उसमें उत्तराखंड के कुछ नौकरशाहों से उसकी बात हुई, किसी से एक मिनट, किसी से सवा मिनट, उत्तराखंड के दो राजनेताओं से उसकी बात हुई, वहां घल्लू घरा करने के बाद, हत्या का खेल खेलने के बाद, आखिर एकदम कौन सा राजनीतिक कार्य उसको याद आ गया नामधारी को कि भाई चलो अब इनको निपटा दिया, पॉलिटिकल काम कर लूं, और वहीं गाड़ी में बैठते बैठते फोन लगा दिया उत्तराखंड। उनकी जांच होनी चाहिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये नामधारी कुलवंत चड्ढा के संबंधों की, पोंटी चड्ढा के पूरी संबंधों की जांच होनी चाहिए। इस बात तो जांच कौन कराएगा? मुख्यमंत्री जी क्यों मानने को तैयार नहीं है? आप तो उनके इतने करीबी, इतने अच्छे परम मित्र हैं, आप क्यों नहीं समझाते मुख्यमंत्री जी को कि भैया जांच करा लो? मैं भी इतने दिन तक कैसे रह गया? आप हरीश रावत जी के परम मित्र हैं नमता जी। हाँ, मैं इसके पहले जो मैंने कहा था वो व्यंग में कहा था। नहीं नहीं, बात सुनिए, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे जी। मैं ये कह रहा हूँ इस बात की भी जांच होनी चाहिए। अरे भाई, अगर कोतवाल टमटा जी कोतवाल कहे कि चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, अरे भैया तुम खुद जाके पकड़ लो, तुम तो कोतवाल हो, सरकार में आप हैं, आप सांसद हैं। एफडीए के ऊपर कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए सारा भाषण इसी के ऊपर करना चाहते हैं। अरे भैया, आप किसी को नहीं बोले, अगर आप हमसे बुलवाना चाहते हैं तो क्यों हमारी बात को क्यों नहीं साफ करते? नहीं, मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं, जैसे आप मेहमान हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं। उनको इस बात से क्या आपत्ति है कि जो अभी आपके पुराने मित्र हैं, आप ना करें, हम तो आए नहीं आपके चैनल में, या चौहान साहब के कोई उससे तो आए नहीं है। नहीं, टमटा साहब मैं पूरी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि आप नाराज ना हो। देखिए, टीवी की एक मजबूरी होती है ना, हमें कम वक्त में बात करनी होती है। अगर हम जा रहे हैं घंटा घर, तो हम घूम के विधानसभा के उर्द गुर्द घूम के घंटा घर नहीं जाएंगे ना। अरे भाई, सीधे घंटा घर चले आओ सहसारा रोड से, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। कहीं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नामदारी को राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस। तो ये बात आप मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? मुख्यमंत्री जी, या तो आपकी बात मानते नहीं है वो। मुख्यमंत्री को हमारी सलाह की क्या जरूरत है, वो खुद समझदार आदमी है। सही बात है, आपकी सलाह की जरूरत तो हरीश रावत जी को ज्यादा है। मेरा ये कहना है, क्योंकि बागेश्वर जनपद में पहुंची चर्चा के लोगों की बात है कि तमाम नियमित कायदों को सत्ता बता के भी खनन का काम वो कर रहा था, इसलिए ये बड़ी जरूरत है कि उत्तराखंड शासन में ऐसे लोगों जांच होनी चाहिए। टमटा साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। मुन्ना सिंह चौहान जी, एक बात तो निकलकर सामने आई कि सांसद टमटा जी कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हैं कि वो खुद समझदार हैं। मुख्यमंत्री जी समझदारी का परिचय देने को तैयार नहीं सांसदों के हिसाब से। तो ऐसे में एक चीज साफ आई कि साहब, कांग्रेस के कुछ एक सांसद ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी के साथ सिंक्रोनाइज वे में नहीं है। कांग्रेस चाहती कुछ और है, मुख्यमंत्री जी करना कुछ और चाहते हैं, पहली बात ये। दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री जी जांच से बचना क्यों चाहते हैं? मुन्ना जी, दोनों सवालों के जवाब एक एक करके प्लीज दे दीजिए। देखिए, नंबर एक तो प्रदीप टमटा जी ने जो कहा, हाँ, समस्या इसी बात की है कांग्रेस के अंदर कि इनका वो वाला किस्सा है, लुक हियर सी हियर, हाँ, कहीं निगाहें कहीं निशाने। हाँ, भाड़ में जाए पोंटी चड्ढा केस, भाड़ में जाए नौकरशाहों, नेताओं और अपराधियों का गठजोड़, हाँ, उनको तो अपना निशाना साधना है। हाँ, चिट्ठी लिखेंगे तो उत्तराखंड के भले के मतलब नहीं है, मकसद यह है कि कौन से कैंप का राग उसमें अलापना है। लेकिन मैं फिर इसी चैनल में मैंने एक दिन आकर के कहा था, जब ये घटना घटित हुई थी, जी जी, मैंने कहा था कि यहाँ पर पोंटी चड्ढा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में इतना बड़ा नासूर है, और मैं इसको बिल्कुल दलगत बहस नहीं बनाना चाहता प्रदीप टमटा जी की तरह कि घूम फिर करके बीजेपी ने यह किया। मैं इसे कतई दलगत क्या, उस समय यदि मान भी लीजिए कि बीजेपी की सरकार ने उनको अपॉइंट किया, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस था, ये के बारे में और पोंटी चड्ढा के कारिंदे नामधारी के बारे में यदि टमटा साहब इतनी विस्तृत जानकारी रखते थे, तो क्या राज्य हित में इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कहें कि नहीं, इस तरह के व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, कि आप कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं दलगत आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, यदि जांच हो जाती है तो तमाम सारे राजनीतिक दलों में और तमाम सारे नौकरशाहों के
चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हाँ। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। मुन्ना सिंह जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं आपको आपकी सराहना करना चाहता हूँ कि पूरी बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ आप ये जांच की बात कह रहे हैं और मान रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा आपको, लेकिन एक चीज आपसे इसी बेबाकी से और जानना चाहूंगा, आपसे बुलवाना चाहूंगा, अगर आप मेरी इच्छा की और हमारे दर्शकों की इच्छा की पूर्ति कर पाए। जब निशंक जी ने इनको अध्यक्ष बनाया था, वो अध्यक्ष किसकी सिफारिश पर बने, कैसे बने, उसकी जांच भी होनी चाहिए फिर तो। निश्चित रूप से मैंने एक बात कहा, मैंने उस दिन भी इसी चैनल पे, आप ही किसी चैनल पे बैठ करके कहा था। हाँ। कि ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पास हर चीज एक ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस है, उससे जानकारियां आती है। क्या वजह रही कि इस व्यक्ति का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत क्यों नहीं उसका उसका जो डोजर था कि मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा गया है। और मैंने स्पष्ट कहा था, बिना लाग लपेट के कहा था कि इस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में चूक हुई है। हाँ। ऐसा व्यक्ति अपॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। मुन्ना सिंह जी मैं ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी से प्रभावित हूं मैं। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना सिंह जी, सुबोध उनियाल साहब जुड़ गए हमारे साथ, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सुपर सीएम के नाम से सुविख्यात भी हैं उत्तराखंड में। सुबोध जी बहुत स्वागत है आपका। मैंने भाई धन्यवाद आपका। देखिए मैं अतुल जी, सुपर सीएम कहना उचित नहीं है। नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ, लोग कहते हैं। देखिए गलत बात है, चलिए आगे पूछिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप आजकल गुस्सा बहुत होते हैं सुबोध भाई। बोलो अतुल भाई, बोले बोले बोले। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये इतना क्लियर मामला है, विपक्ष के लोग भी मांग उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी मांग उठा रहे हैं, प्रदीप टमटा जी भी मांग उठा रहे हैं कि साहब इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, और नामधारी का नियुक्ति कैसे हुई उनकी, निशंक जी के जमाने में हुई, निशंक जी ने नियुक्ति की 7 फरवरी 2010 को, साइन हुए, दस्तखत हुए, मार्च में नियुक्ति प्रभावी हुई, उस फाइल में जिन जिन नेताओं की सिफारिशी चिट्ठियां लगी हुई हैं उनके नाम सामने आने चाहिए, ये मांग हो रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं, जांच नहीं होगी। तो भाई जांच क्यों नहीं होगी, ये थोड़ा सा एक अगर हमारा ज्ञानवर्धन कर पाए तो। आप भाई साहब देखिए, निश्चित रूप से नामधारी की जो नियुक्ति की गई है, और अभी मैं सुन रहा था मुन्ना जी को भी कि उसका कहना कहीं ना कहीं चूक नहीं है ना, मुख्यमंत्री स्तर पर इतने की चूक होना मैं नहीं मानता कि कोई लगता है कि जानबूझ करके इनको नामित किया सब कुछ जानने के बावजूद। कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों से, भाई मुन्ना सिंह जी उस समय सत्ताधारी दल में नहीं थे, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों के साथ कहीं ना कहीं नामधारी जी के संबंध थे, जो मैं समझता हूँ तो नियुक्ति के पीछे कारण बना। और देखिए राजनीति में होता क्या है, जब नामांकन करने का पूरा अधिकार सिफारिशी चिट्ठी लिखने में लोगों का नहीं होता, लेकिन पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। और मुख्यमंत्री जी ने जब नामित किया तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके स्तर पर ये बहुत चूक क्या कहेंगे, या तो ओबलाइज करने वाला मामला हुआ है। सुबोध जी आप जो बात कह रहे हैं ये बात हम एक हफ्ते से लगातार समाचार प्रेस पर पूरी बुलंदी के साथ कह रहे हैं, और मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये स्थिति और दुविधा वाली है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, आपकी पार्टी के लिए, कि जब पूर्ववर्ती विपक्षी दल के मुख्यमंत्री ने दागी व्यक्ति, गली के गुंडे की नियुक्ति इतने संवैधानिक पद पर कर दी, और तब भी मौजूदा कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराने से इनकार कर रहे हैं, यही तो आश्चर्यचकित करता है हम सब लोगों को, आपको भी करता होगा। अतुल जी, जांच का तो मैं प्रश्न ही नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है कि निशंक सरकार के दौरान इनका नामांकन किया गया। हाँ। और मैंने आपसे कहा कि हर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री जी ही ऑथराइज होते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव होता है, उन्होंने नामांकन किया, तो इसमें जांच की क्या बात है, बहुत स्पष्ट है। हाँ। कि आखिर इसको नामित करने के पीछे। अच्छा अच्छा सुबोध भाई, और जिन नेताओं ने सिफारिश की उनके नाम सामने आने चाहिए। फोन कट गया है। अतुल देखिए, इसमें मूल बात जो है, जो सुबोध उनियाल कह रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं। हाँ। सुबोध उनियाल पार्टी की लाइन के भीतर बैटिंग करना चाह रहे थे। हाँ। मैं तीन बातें कहता हूं। हाँ। सुबोध उनियाल का फोन कट गया, उनसे मैं जवाब मांगता। हाँ। पहली चीज, अगर निशंक ने पाप किया यह कि एक अवांछित व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का मुखिया बना दिया, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी सजा भुगतेगी, निशंक जी भुगतेंगे जनता के आक्रोश को। हाँ। लेकिन कांग्रेस की सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है उस ये बताने के लिए कि भाई ये 10 लोग थे, इस इनके चेहरे गौर से देख लीजिए हुजूर, जिन्होंने पैरवी की। एक दूसरा सवाल कांग्रेस से, दरोगा की पोस्ट, मुन्ना सिंह चौहान के पास लंबा राजनीतिक जीवन है इनका अब तक का,
मुन्ना सिंह चौहान मेरी बात से सहमत होंगे, दरोगा की पोस्टिंग पर बवाल खड़ा कर देने वाली पार्टियां जब ये प्रातस्मरणीय नामधारी अध्यक्ष बना अल्पसंख्यक आयोग का, उत्तराखंड के 10 बड़े नेताओं में से एक का भी बयान दिखा दीजिए जिसने कहा हो ये गलत आदमी बन गया, बताइए किसी पार्टी का हो, क्या बोला कोई कांग्रेसी? हरीश रावत, विजय बहुगुणा कोई बोले? यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल? नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, चलो जो बड़े उस पर है उत्तराखंड में, कोई बोला नहीं। और मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं कि जो जांच जो सीवी है वो स्कैन होकर ब्यूरोक्रेट से आता है, जो मुन्ना सिंह जी कह रहे, ये मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं। राजनीतिक इनपुट आते हैं भाई, राजनीतिक इनपुट आते हैं बड़े पदों पर। आपके इलाके का अध्यक्ष बोलता है कि अरे भैया किनको बनाए दे रहे हो, ये तो बवाली है, ये तो मोटरसाइकिल चोरी में पकड़े गए थे, वो FIR की कॉपी ला के दे देता है। मुन्ना सिंह जी, हमने तो देखा राजकाज, ठीक है ना, वो केवल दरोगा तक सीमित नहीं होता। सुबोध जी जुड़ गए, आप बात करना चाहेंगे? सुबोध जी, जी अगर निशंक ने यह काम किया, अगर नहीं निशंक ने यह काम किया, और इसके लिए मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ कि निशंक को इसकी जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर यह जानकारी नहीं हो कि 38 केस जिसके ऊपर चल रहे हैं, वो आदमी उसकी फाइल उनके पास आई है, सरकार ने इनके केस भी वापस लिए हैं जी, तत्कालीन सरकार के द्वारा कई केसेस इनके ऊपर जो थे उनको वापस भी लेने का काम किया। सुबोध जी, मैं यही कह रहा हूं, तब कम से कम इस सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश को ये बताए कि किन किन लोगों की सिफारिश चिट्ठी लगी थी कि इस पराक्रमी आदमी को अल्पसंख्यक आयोग का मुखिया बनाओ। ये बात एक, और दूसरी बात जो लगातार चर्चा में आ रही है कि नामधारी जब वहां वह खूनी खेल समाप्त हुआ, उसके बाद नामधारी ने कुछ लोगों को फोन लगाया उत्तराखंड के प्रभावशाली, और उनसे उनकी बात हुई, इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें नेता भी हैं, दो नेता हैं जी, तो क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? नामधारी वहां खूनी खेल खेल के जब गाड़ी में बैठा पोंटी को लेकर, जी इस पूरे मामले की जांच आप देख रहे हैं चल रही है, और ये समझता हूं मुझे दिल्ली पुलिस की क्षमता पर पूरा विश्वास है कि आखिर किन किन लोगों से बात हुई, कौन कौन लोग संपर्क में थे, इसी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन दो बातें स्पष्ट हैं जो अभी अतुल जी कह रहे थे कि कौन कौन से जिनके नामांकन के पीछे, देखिए किसी को नामित करना मुख्यमंत्री का प्रयोगेटिव होता है, पीछे सरकार होता है। सुबोध जी सुन, एक सेकंड, और जब कोई व्यक्ति बैकग्राउंड का हो और एक बहुत भारी जिन लोगों का एम्पायर उनसे संबंधित हो, समझता हूँ उसके लिए लिखित सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। उस आदमी को निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने नामित किया प्रदेश जानता है, और पूरा प्रदेश जानता है किसे नामित किया, और ये भी जानते हैं कि किसके सिफारिश पर नामित किया गया। हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए ना सुबोध भाई, प्लीज हमको बता दीजिए जी, हमको बता दीजिए, पूरा प्रदेश जानता है, मैं नहीं जानता, मैं बड़ा अबोध हूँ। अतुल भाई आप प्लीज मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, मैं भी सुबोध हूँ और आप भी सुबोध हो। नहीं नहीं, मैं अबोध हूँ, आप सुबोध हैं, मैं अबोध हूँ। अतुल भाई आप तो सुसुबोध हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रदेश जानते हैं, और निश्चित रूप से देखिए आप हर व्यक्ति की नजर में है कि आखिर इस व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी में जिसका संपर्क रहा हो, और जिस व्यक्ति को इस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड के बावजूद नामित किया जाए, तो जांच की तो बात, और कांग्रेस सरकार उसकी जांच नहीं कर रहा है। सुबोध उनियाल जी, सुबोध उनियाल जी, दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है जी, और उस बीच में मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कह दिया कि अधिकारियों की कोई संलिप्तता नहीं, और अभी जांच फाइनल नहीं हुई, जांच की स्टेटस रिपोर्ट कहीं सबमिट नहीं हुई। अगर आपने सुना होगा अमिताभ जी, नहीं मैंने प्रीतम सिंह पवार को जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, मैं उसकी बात कह रहा हूं। अगर आपने सुना होगा, देखिए हमारे पुलिस महानिदेशक ने बहुत स्पष्ट कहा कि अभी तक संलिप्त किसी अधिकारी की संलिप्तता के बारे में उसे कोई सूचना नहीं है, अभी तक का मतलब क्योंकि जांच प्रोग्रेस में है, जांच आगे बढ़ेगी, कोई होगा तो निश्चित रूप से सामने आएगा, और सामने आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जांच अभी निरंतरता में है, और जांच में कई तथ्य सामने आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ होगा वो भी सामने आएगा। मुन्ना सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुनना चाहता हूँ जी। सुबोध भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मुन्ना भाई बिल्कुल सुन रहा हूँ। सुबोध भाई एक बात बताइए, आपके सरकार में प्रीतम सिंह जी मंत्री है जी, या तो स्पष्ट है कि केवल पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, अपने गुट के आदेश की तामीली के लिए, या मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं,
और या फिर उनको जरूर उनके संज्ञान में ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर वो ये चाहते हैं कि यहाँ इसकी सीबीआई से जांच हो, ताकि उत्तराखंड के नौकरशाहों का जो कनाइवेंस है इसमें, जो संलिप्तता है, जो उनकी जो इनका गठजोड़ है उसकी जांच हो सके। तो जब आप ये जो मुझे या अमिताभ जी को या अतुल जी को